भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सत्र के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी छोड़ दी थी। कोहली की कप्तानी में आरसीबी की टीम 2017 और फिर 2019 में आईपीएल तालिका में सबसे नीचे रही थी। भारतीय टीम टीम की कमान छोड़ने के बाद 2021 सत्र में उन्होंने आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ दी थी। उनकी जगह दक्षिण अफ्रीका के फाफ टू प्लेसेस टीम के कप्तान बने थे। कोहली ने वुमेन्स प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ आरसीबी के मैच से पहले महिला टीम की खिलाड़ियों को बताया कि उन्होंने टीम की कमान क्यों छोड़ दी थी। कोहली ने कहा, जिस समय मेरी कप्तानी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, ईमानदारी से कहूं तो मुझे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था। इसे लेकर मेरे अंदर कोई जज्बा नहीं बचा था। उन्होंने बुधवार को कहा, वह हालांकि मेरा अपना नजरिया था, एक इंसान के तौर पर मैं खुद से कह रहा था कि मैंने काफी उतार चढ़ाव झेले हैं, अब इसे और नहीं संभाल सकता हूं। आरसीबी की टीम 2016 के बाद पहली बार 2020 में प्लेऑफ में पहुंची थी। कोहली ने कहा कि उन्हें खुद से भरोसा उठ गया था और इस काम के लिए उनका जज्बा भी कम हो गया था।